आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे पहले अगर हम देखेंगे कंपनी में आपने क्या पढ़ा है, एक तो आपने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लिया है और आपने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ लिया कि इनको जब इशू करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, और डिबेंचर्स के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे तब क्या हम पढ़ेंगे। ये बेसिक था कंपनी की, जो बेसिक अकाउंटिंग है, शेयर कैपिटल में पैसा आएगा, डिबेंचर से पैसा आएगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और उसके बाद बाकी कंपनी का प्रॉफिट मतलब जो अकाउंटिंग होगी वो तो वैसे ही हो जाएगी, है ना। ये तो बेसिक फंडा था कि पैसे कैसे आता है, जो डिफरेंट होता था फ्रॉम पार्टनरशिप एंड प्रॉपर्टी। बाकी फिर क्या होगा, कंपनी काम स्टार्ट करेगी, कंपनी परचेज करेगी उस पैसे से, फिर सेल्स करेगी, एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, वो सारा चीज करेगी। तो वो बेसिक है जो आप लोगों को आता है, उसमें नहीं जाना है। फिर जाके जब सारा चीज बनेगा तो फिर कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनेगा। हाँ सर, कंपनी का ट्रायल बैलेंस, वैसे सारे लेजर अकाउंट्स है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। फिर क्या बनाना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। वो चीज जो बनानी है, अब कंपनी को रेगुलेट करता है कंपनी एक्ट। वहां पे पार्टनरशिप होती है या प्रॉपर्टनरशिप होती है, वहां पे क्या होता है, उन बंदों को अपनी मर्जी है वो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना दे। तो एक फॉर्मेट होता था प्रॉफिट लॉस का, तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे कि नहीं बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, यस उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, और फिर जाके मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, फिर जाके बैलेंस शीट बनाते थे, ऐसे हम उधर करते थे। बट क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है, तो कंपनीज एक्ट ही यहाँ पे हमें बोलता है कि आपको कैसे बैलेंस शीट बनानी है, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हमें वही चीज सीखना है कि कंपनीज एक्ट कैसे हमें बोलता है कि आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है, आप लोगों को कैसे प्रॉफिट लॉस बनाना है। आपके सिलेबस में इन्होंने बेसिकली क्या रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या रखा है, मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के एनालाइज करना आना चाहिए। दो कंपनीज की अगर आपको बैलेंस शीट देंगे, तो दो कंपनीज की आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे, तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, किसकी नेटवर्थ अच्छी है, किसकी लिक्विडिटी अच्छी है। वो चीज आपसे एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने जब जब आपको स्टार्ट कर दिया गया था 11th 12th, तब आपको पता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और लास्ट में फिर क्या था, इंटरप्रेटिंग। तो अभी तक आप लोगों ने सब सिखाया है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज सिखा। रिकॉर्डिंग मतलब जनरल, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, और समराइजिंग मतलब प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड देन द बैलेंस शीट एंड पीएनएल। वो तुम लोगों ने सीखा है, बट तुम लोगों ने क्या कि नहीं सीखा है, एनालिस करना तुम्हें बेसिक बेसिक नहीं सिखाया। तो 12th में इन टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा एनालिस कराना सीखने, तो आपको ब्रॉड बेस्ड नॉलेज पूरी अकाउंटेंसी की मिलेगी। उसके बाद तुम आगे जाओगे, तुम क्या कर सकते हो, तुम सीए कर सकते हो, वहां पे तुम्हें अकाउंटिंग के बारे में और डेप्थ में नॉलेज मिलेगी, कंपनीज के बारे में स्पेशली आपको नॉलेज मिलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पढ़ाई नहीं की 12th में, 11th 12th में थोड़ा आपको बता दिया है एएस क्या होते हैं, और सीए में आपको एएस बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, या बीकॉम ऑनर्स करोगे अकाउंटेंसी में तो वहां आपको अकाउंटेंसी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से 1st से लेकर 10th तक हमें ब्रॉड बेस्ड नॉलेज पूरे सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में दी जाती थी, अब 11th 12th में स्पेशली थोड़ा अकाउंटेंसी के बारे में आपने कॉमर्स में पढ़ा, और आगे जाकर आपको और डेप्थ में कॉमर्स के बारे में पढ़ा। बट अभी आप अकाउंटेंसी में देखोगे तो क्या चीज आपने नहीं किया है, एनालिस्ट पार्ट नहीं किया अभी तक 12th में। तो अभी जो आपकी आप जर्नी स्टार्ट होगी वो मोर और लेस एनालिस्ट के लिए होगी, और एनालिस्ट किसकी करोगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकता है, The किन statement चीजों which को shows the फाइनेंशियल financial स्टेटमेंट्स। position of business is known as financial statement. These statements are prepared at the end of accounting year. ओनली फाइनेंशियल पोजीशन और समथिंग एल्स, Sir, result is of business. अमान बोल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, और बट इसने चेंज किया रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट मींस इसको मैं परफॉर्मेंस बोलूं, Yes, sir. तो ये दो चीजें बोलते हैं, एक परफॉर्मेंस और एक पोजीशन। मैं जो 11th का पढ़ाता हूँ सबसे पहले यही बोलता हूँ कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग हमें डिजायर्ड रिपोर्ट जो चाहिए, एक वो स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले, और दूसरा स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बोले। सर इनको, इन स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बट कंपनीज एक्ट अगर देखा जाएगा, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन भी किया है, कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में डिफाइन भी किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो एज पर कंपनीज एक्ट पांच चीजें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाई जाती है। कितनी चीजें, पांच चीजें आती है कंपनीज के अकाउंट्स में जब बात करेंगे तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है, फाइव थिंग्स पांच चीजें आती है। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये आपको याद करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी चीज आती है नोट्स टू अकाउंट्स। क्या आती है, नोट्स टू अकाउंट्स, इसको आप नोट करो अपनी कॉपी पे,
नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर फोर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम कंपनी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यस सर, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस ही आता है खाली, बट कंपनीज एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में है, बोलता है फाइनेंस स्टेटमेंट में पांच चीज आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो आज आज के बाद जब तुम फाइनेंस स्टेटमेंट बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे सर फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी की जब बात करेंगे तो ये पांच चीजें हैं, फाइनेंस में होता कंपनी की ये पांच चीजें आती है। तो इन सब जब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है सर, बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, क्या बोलती है पोजीशन बोलती है, फाइनेंशियल पोजीशन आपके एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितने। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट, यह हमें बताता है परफॉर्मेंस। यस सर। और नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, जो भी हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं हमें कंपनीज एक्ट एक फॉर्मेट देती है, बोलते हैं इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी है, अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, एक फॉर्मेट दिया है, किस शेड्यूल में दिया है, शेड्यूल 3 में, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं आगे शेड्यूल्स क्या होते हैं। शेड्यूल 3 आप याद रखो, उसमें एक फॉर्मेट दिया है, बोलना उसी हिसाब से उसका पार्ट ए बैलेंस शीट का है और पार्ट बी प्रॉफिट लॉस का, मतलब जो भी कंपनी है उसको जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाना है किस हिसाब से बनना है, शेड्यूल 3 में जो पार्ट ए में फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में उसको बैलेंस शीट बनानी है, उसी फॉर्मेट में उसको प्रॉफिट लॉस बनाना है। और उसमें बोला गया है कि ये जो बैलेंस शीट में है, जैसे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आएगा, इस शेयर कैपिटल का तुम एक नोट देना, नोट नंबर 1, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, वहां बोल देना शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इश्यूड कैपिटल कितनी है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं, वो आपको नोट्स में बनाना पड़ेगा। इसी तरह से आप बोलोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका टर्म लोन है बैंक से, क्या लोन है, किसी और से लोन लिया है, डिबेंचर्स है, वो आप नोट्स में बताओगे। यहाँ बैलेंस शीट में सिर्फ ना कल से मच मारने, बैलेंस शीट में मच मारने की उसके लिए अलग से नोट्स बनाने हैं, वहां पे बताना है कि ऐसा इसमें क्या। आपने कभी क्वेश्चन किया ऐसे फिर आप वर्किंग नोट्स बनाते हो, कभी अकाउंटेंसी या किसी सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन किए कि यहाँ पे आंसर करते हो, यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, फिर वर्किंग नोट्स करते हो कि यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन ये कैसे आ गया यहाँ पे, इसका अलग से नोट है। इसी तरह से नोट्स टू अकाउंट बनाने होते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपनी की, रिलायंस की बैलेंस शीट बाद में, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे प्रैक्टिकली, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो सीए में नहीं पढ़ाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स दे फॉर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी आपके सिलेबस में है, ये आपको एएम में पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वो स्टेटमेंट जो दिखा देगा कंपनी का कैश कहां से आया, कैश कहां से गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आप जब दो सालों की, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ जेके बैंक का भी, आजकल कंपनीज को जो बैलेंस शीट बनानी होती है 2 सालों की बनानी होती है, तो पिछले साल का भी दिखाना होता है और इस साल का भी दिखाना होता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं शेयर कैपिटल सपोज ये 2 लाख है, यहाँ पे 1.5 लाख थी, तो चेंज आ गई ना, तो एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी जो 1.5 लाख थी ये कैसे 2 लाख होगी, क्या आपने फ्रेश इश्यू कर दिया, या हो सकता है इस साल आपने कुछ बाय बैक भी कर दिया, वो सारा आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दिखाना पड़ेगा। और ये पांचों चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती है, तो कंपनीज को ये पांचों चीजें बनानी पड़ती है। अब कौन सेक्शन है कंपनीज एक्ट की जो बोलती है कंपनीज को कि तुम बैलेंस शीट बनाओ, सेक्शन 129 याद रखो, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये पांच चीजें उनको बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में देखोगे इफ एप्लीकेबल, क्यों, अगर कोई इक्विटी में चेंज नहीं हुआ तो ये बनाने की जरूरत है, अगर चेंज हुआ है 1 रुपए का भी चेंज हुआ है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में, आपके इक्विटी में कैसे चेंज आ गई वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपको पहली चीज समझ आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अब नहीं बोलना सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट, ये पांच चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। बट आपके सिलेबस में अगर देखोगे आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में रखा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, आपके बारे में प्रॉफिट लॉस नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी समझाता हूँ, इस पर्पज से मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट लॉस समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट में हम प्रॉफिट लॉस का नाम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या आपको पता है स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क है, क्या अमान के बगैर मुझे कोई बोलेगा स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क है, सॉरी स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क है, कोई बाकी में से अनम्यूट करेगा और मुझे बोलेगा स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क है। हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बट लेजर अकाउंट्स आर द अकाउंट्स, क्या फर्क होता है अकाउंट और स्टेटमेंट में, अमान आप बोल सकते हो। यस सर।
सर उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होती है और वो किसी पर्टिकुलर डेट पे बनती है। और अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में बाजाबता अकाउंटिंग होती है, डेबिट क्रेडिट होता है। तो इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी एक्ट में बनाते हैं, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करते, वो एक स्टेटमेंट इस तरीके से बना दे कि हमें प्रॉफिट निकल जाए। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, आपके अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, तो कुछ टाइम 10-15 मिनट में आपको वो भी सिखाऊंगा। बट मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में हम बैलेंस शीट सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारा फोकस बैलेंस शीट पर रहेगा, हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं कंपनीज एक्ट में, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर जाके हम क्या करेंगे इन बैलेंस शीट, और मैं फिर प्रॉफिट लॉस समझा दूंगा कैसे होता है, फिर हम इनका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद ये हम कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे थोड़ा बैलेंस शीट में देखे जेके बैंक, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा फिर एनालिसिस, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे रेशियो एनालिसिस करेंगे कि हम रेशियो के जरिए समझे जाएंगे कि कंपनी की पोजीशन कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे, हाउ वेल द कंपनी हैज परफॉर्म्ड थ्रू रेशियो। इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक जो 12 मार्क्स है वो कंप्लीट है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। देखो बैलेंस कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है कंपनीज को, ठीक है, वो बोलता है कंपनीज को ऐसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सारी चीजें कंपनीज एक्ट को बोलते हैं। तो वहां पे ना कुछ चीजें हैं जो बार 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 जरूरत आती है। ठीक है, तो लॉ में क्या होती है, लॉ में हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे कोर्ट में केस जाता है तो जज साहब जो फैसला देते हैं वो पूरा लॉ को पढ़ते हैं, तो एवरी शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब बैलेंस शीट बोलना है तो बैलेंस शीट एक पूरा फॉर्मेट है, तो हर जगह जहां पे कंपनी एक्ट पे बैलेंस शीट आएगा तो क्या वहां पे पूरा फॉर्मेट चिपका देंगे, क्योंकि फिर क्या होगा वो समझ नहीं आएगा। सपोज कंपनी को बोलना है कि बैलेंस शीट बनानी है तो फिर बैलेंस शीट की फिर वो बैलेंस शीट पूरी दिखानी पड़ेगी इन द फॉर्मेट। अब बोलेंगे बैलेंस शीट शुड बी एज पर दिस फॉर्मेट, तो क्या वहां पे पूरा फॉर्मेट चलाएंगे, नहीं ऐसे लॉ नहीं बनाते, तो बोलते इट शुड बी एज पर दिस फॉर्मेट, फॉर्मेट का रेफरेंस देंगे शेड्यूल 3। आपने कहीं देखा कुछ एग्रीमेंट वहां पे फिर एनेक्सर लिखा होता है, या आपका नोटिस आता है, फिर अभी जेके एसएसबी का नोटिस आया, किसी और का नोटिस आता है, वहां पे क्या था फिर दिस शुड बी एज पर दिस एनेक्शन, क्योंकि उस चीज का जहां बार बार जरूरत है वहां पे डालने की जरूरत है, तो बोलते हैं लास्ट में एनेक्शन दिया। इसी तरह से बैलेंस कंपनी एक्ट में भी शेड्यूल्स होते हैं कि जहां जहां पे वो बार बार जरूरत आ जाए तो वहां पे गंद ना मचा जाए, तो बोलते हैं ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 3 है, वहां पे जाकर देखो क्या फॉर्मेट है, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल 2 जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 2 जो है उसमें डेप्रिसिएशन रेट्स दिए हैं और किस एसेट के लिए कितनी डेप्रिसिएशन लगा है। तो जब कंपनी एक्ट बोलेगा कि आपको डेप्रिसिएशन लगानी है तो क्या बोलेगा, एज पर शेड्यूल 2 लगानी है कंपनीज को डेप्रिसिएशन, तो वो कंपनीज एक्ट क्या करे, वो तब क्या करे, वो जाए वहां पे और देखे शेड्यूल 2 में उस एसेट के लिए क्या डेप्रिसिएशन लगते। इसी तरीके से शेड्यूल 3 जो है वो बोलेगा, उसमें फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का भी, उसमें बैलेंस शीट का और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया है। तो हमें जो बैलेंस शीट बनानी है किस शेड्यूल से हिसाब से बनानी है, शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया है उस हिसाब से बनानी है। यहाँ पे आप अपने सिलेबस में थोड़ी सी चेंज करना है, आपके सिलेबस में उन्होंने लिखा है शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, आप कंपनीज एक्ट 1956 नहीं रहा, आप कंपनीज एक्ट 2013 है, और तब शेड्यूल 6 हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 2013 में उसका शेड्यूल नंबर 3 है। ठीक है, तो हमें वही चीज सीखना है बैलेंस शीट। आज मैं थोड़ा ओवर भी दूंगा बैलेंस शीट का, कल हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, अंदर खोलेंगे उसको बैलेंस शीट को और देखेंगे उसमें हमें कैसे निकलते हैं, जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, लंग्स निकलते हैं, लिवर निकलता है, किडनी निकलता है, इस तरीके से आज मैं थोड़ी बैलेंस शीट बता दूंगा, थोड़ी सी एनाटॉमी बता दूंगा, उसके अंदर फिर हम कल पोस्टमार्टम करके अच्छे तरीके से बैलेंस शीट को समझ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ बिफोर कि मैं आपको बैलेंस शीट नए तरीके से बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा पुराने तरीके से हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस दूंगा, अगर आपको याद होगा कि हम बैलेंस शीट बहुत सिंपल तरीके से बनाते थे, सर हम ऐसा करते थे, यहाँ पे बोलते थे अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी सर मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल बोलूंगा, है ना सर, यहाँ पे बोलूंगा मैं डिबेंचर, यहाँ पे बोलूंगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है सर, यहाँ पे बोलूंगा करंट लाइबिलिटीज, ऐसे ही करूंगा सर, यहां से होंगे फिक्स्ड एसेट, यहां से होंगे करंट एसेट, और इनको करूंगा टोटल, यही करते थे पहले, ऐसे ही करते थे। या अगर पार्टनरशिप होगा सर यहाँ पे कैपिटल होगी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज होगी, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट होता है, यहाँ करंट लाइबिलिटी, तो ये हम लिक्विडिटी हिसाब से परमानेंस हिसाब से रखते हैं, जिसको मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट भी बोलते हैं, कि पहले फिक्स्ड एसेट आते हैं फिर करंट एसेट, इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आते हैं, यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसी तरीके से बनाते थे। इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल टाइप, क्या बोलते थे, यस सर, हॉरिजॉन्टल, दूसरा था वर्टिकल। तो इसमें क्या होता था, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये लाइन अगर डाल के ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, पैरेलल टू द ग्राउंड जो है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते थे। तो एक तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से लाइबिलिटीज और कैपिटल दिखाते थे, राइट हैंड साइड से एसेट दिखाते, बट कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसे नहीं करना है,
कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम जो बैलेंस शीट बना देंगे वो बनाना है वर्टिकल फॉर्म में. क्या बनाना है? वर्टिकल फॉर्म. वर्टिकल फॉर्म. आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, ऐसे एक लाइन डालनी है ये अमाउंट के लिए. ठीक है, मैं बेसिक सिंपल बताता हूँ, कोई अभी फॉरवर्ड देखे, ये अमाउंट हो गया आपका. यस सर. ठीक है, ये आपका आएगा अमाउंट. ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे रुपीज है, जो भी है, जो आपकी करेंसी होती है, जिस करेंसी में आप बैलेंस शीट बनाते हो उसको करेंसी लिखते हो. रुपीज मैंने ऊपर लिखा. यहाँ पे होता है नोट्स टू अकाउंट. क्या होता है? नोट नंबर. नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे नोट नंबर खाली. नोट्स टू अकाउंट के नीचे बनेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जब बनेगा उसके नीचे फिर नोट्स टू अकाउंट होंगे. यहाँ पे हम सिर्फ बोलेंगे नोट नंबर कौन सा, तो आप जाओ उधर, जैसे जर्नल फोलियो में हम बोलते हैं लेजर फोलियो, कौन से लेजर में आपको पता चलेगा, यहाँ बोलेंगे कौन से नोट में आपको इसकी डिटेल पता चलेगी क्या है. ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं पर्टिकुलर. ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं पर्टिकुलर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब थोड़ा हम अपने कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे बट थोड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे. हम बोलते हैं कि जो ये है ना, यहाँ पे हम क्या बोलते थे, उधर इधर बोलते थे, इनको लाइबिलिटीज बोलते थे और इनको एसेट्स बोलते थे, है ना. यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने बोला ये खाली लाइबिलिटीज थोड़ी है, इसमें तो कैपिटल भी है, इसमें तो कैपिटल भी है, तो इसको हमने नाम दिया इक्विटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटी. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. कोई लोड नहीं लेना है जबरदस्ती याद करने का, बहुत आसान तरीके से जो मैं बोलूंगा आप उसको याद करना है. ठीक है, लाइबिलिटीज इसमें क्या होता था, शेयर कैपिटल होती थी, और क्या होते थे सर, रिजर्व्स होते थे. क्या होते थे? रिजर्व्स. प्रॉफिट कंपनी, ये सोल प्रॉफिटर में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आता था हम ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे. पार्टनरशिप में क्या होता था, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट शेयर बनाते, उसके बाद फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, और कुछ रिजर्व्स होता नहीं जाता है. बट कंपनीज में सारा प्रॉफिट कहां जाता है, रिजर्व्स में जाता है, और रिजर्व से फिर आप डिविडेंड देते हो और बाकी पैसा रिजर्व में रहता है. तो दो चीजें होती थी, एक शेयर कैपिटल और रिजर्व्स. ये जो शेयर कैपिटल होता है और ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये किनका हिस्सा होता है, ये किनका एसेट, ये किन किनसे बिलोंग करती है, ये शेयर होल्डर से बिलोंग करती है. ये जो हमने बैलेंस शीट में देखा शेयर कैपिटल और हमने देखा रिजर्व्स, ये किनका है पैसा है, ये शेयर होल्डर का पैसा है. तो हमने बोला कि हम एक खाता रखेंगे, मतलब हम एक वो रखेंगे, स्लॉट रखेंगे, हमने कि इसके अंदर जो चीजें है वो तो शेयर होल्डर्स में बिलोंग करती है, तो इसके अंदर हमने बोला क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, तो इसमें हमने बोला शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल. दूसरा क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. आज मैं कुछ चीजें इसमें खाऊंगा. ठीक है, खाऊंगा इसलिए ताकि आपको पुरानी और नई चीज में समझ आ जाए, फिर कल मैं इसमें डिटेल में बोलूंगा, ये भी आती है, ये भी आती है, बट वो मैं आपको कल बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा. आज मैं बेसिक बेसिक बोलूंगा कि पुराने जो बैलेंस शीट होती थी उसको हम नए फॉर्मेट में कैसे बनाते. ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड, इसको मैं दूंगा नंबर वन. क्या दूंगा मैं इसको, नंबर वन. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है सर, हमारे पास ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती थी, है ना. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सर, इसमें अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे वो आएंगे, अगर हमने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा वो आएगा. ठीक है, तो दूसरा होता है हमारा, उसको हमने बोला, अच्छा ये लॉन्ग टर्म है ना, तो इनको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज. क्या yes. बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज तो इसमें नॉर्मली हमारे आते हैं यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ठीक है, यस सर. आज मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आज मैं सारी चीजें नहीं बोलूंगा, तो इसमें ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे, उनका फिर हम नोट बनाएंगे. जैसे शेयर कैपिटल में हमें दिखा रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने, इक्विटी शेयर्स, तो इसका मैं नोट नंबर वन बनाऊंगा. रिजर्व्स और सरप्लस, मेरे तीन तरीके के रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिवाल्वेशन रिजर्व है, तो वो नोट नंबर टू में आपको मिलेगा. लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा. तो दूसरा मेरा आया नॉन करंट लाइबिलिटीज सर. उसके बाद ये करंट लाइबिलिटीज आती थी, जिसमें मेरे क्रेडिटर्स है, ठीक है, जिसमें मेरा प्रोविजंस है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी लाइबिलिटीज जो एक साल से कम की लाइबिलिटीज है, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, तो उनके लिए जो हम रखते हैं, उनके लिए हम रखते हैं करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, इनके लिए होते हैं करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में हमारा क्या आता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग हो नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट में आएगी, और अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो वो किस में आएगी. जैसे आपका सीसी लिमिट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग.
इसी तरीके से आपका क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल, क्या बोलते हैं ट्रेड पेबल। इसी तरीके से अगर कुछ होगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये इनका बनेगा। इस तरीके से क्या होगा लाइबिलिटीज का टोटल होगा, क्या होगा लाइबिलिटीज का टोटल होगा, ठीक है, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज साइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल कर दिया। तो अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं, तो ये जो ऐसे ये जो पोर्शन था इसको हमने डिटो चिपका के यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, अब ये जो हिस्सा है यहां पे फिक्स्ड एसेट है और ये जो करंट एसेट है, इनको हम उठा के, इनको उठा के हम इधर डालते हैं, इनको उठा के हम इधर डालते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएंगे फिर, अब मैं उधर लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, आप विजुअलाइज करते रहा। अब नेक्स्ट पेज में जब मैं लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे ये इस तरह है, यस सर, ठीक है, और यहां पे जो नेक्स्ट पेज पे नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है, एसेट्स, ठीक है, क्या आएगा एसेट्स आएंगे, और सबसे वो वन था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसका टोटल आ गया था यहां पे, यहां पे उसका टोटल आया था। अब नीचे मैं क्या करूंगा एसेट्स लूंगा, ठीक है, ये नोट्स है, सॉरी, एसेट्स में सबसे पहले क्या होते थे वहां पे सर, यहां पे फिक्स्ड एसेट होते थे और फिर करंट एसेट होते थे। फिक्स्ड एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग होता था, फर्नीचर होता था, वो सारे फिक्स्ड था। तो यहां पे हम क्या बोलूंगा, जो फिक्स्ड होंगे उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, क्या बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है, तो पहले फिक्स्ड एसेट आएगा। और क्या हो सकता है फिक्स्ड एसेट में, फिर मैं आगे बताऊंगा टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस वो चीजें आती है। और क्या होती है, अगर मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो तो फिक्स्ड एसेट नहीं है आपका, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद आपका क्या आएगा, मैं कुछ बेसिक बता, अगर आपके लॉन्ग टर्म एडवांसेस है, अगर आपने किसी को एडवांस दे दिया तो आपका क्या आएगा लॉन्ग टर्म एडवांस में, तो आपका नॉन करंट एसेट है। इसी तरह से फिर दूसरा चीज क्या आएगी आपकी करंट एसेट, करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा आपका कैश एंड सर, अगर आपकी कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी कोई करंट इन्वेस्टमेंट है वो आएगी सर, अगर आपके डेटर्स है जिनको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, यस सर, वो आएगा सर, आपके स्टॉक है इन्वेंट्रीज सर वो आएगा, और आपका अगर कैश है या कैश इक्विवेलेंट है वो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसका जैसे ट्रेड रिसीवेबल का आपके दो तरीके होते हैं, ठीक है, थीके? जैसे इसको मैंने फिर नोट नंबर 6 दे दिया, ठीक है, इसका नोट नंबर 7 दे दिया, इसका नोट नंबर 8 दे दिया, इसका नोट नंबर 9 दे दिया, इसका नोट नंबर 10 दे दिया, और यहां पे फिर टोटल कर दिया। तो क्या होगा, जो ये टोटल है और ये टोटल है ये बराबर होगी। तो आपने क्या किया, जो पहले हॉरिजॉन्टल होता था उसमें आपने शेयर कैपिटल वाले को उधर ही रखा और इसको इधर करके लाया, और इस तरीके से एक ही सीक्वेंस में आपने ये सारी चीजें बना दी बैलेंस शीट, जिसमें टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू द एसेट्स एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल एसेट्स। और यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या किया, सॉर्टिंग कर दी, वहां पे पहले बैलेंस शीट पे कुछ भी आता था कहीं कोई सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हमने सॉर्टिंग कर दी, क्लासिफाई थोड़ा कर दिया, बोला ये सारे शेयर होल्डर्स का है तो इसको शेयर होल्डर्स पर बोलेंगे, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये नॉन करंट में आएगा, ये करंट लाइबिलिटीज है। तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड से और एसेट साइड से याद करने के लिए, तो मैं वो तीन चीजें बोलूंगा आप याद करो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड से आपको जो तीन चीजें याद करनी है क्या है, नंबर वन मेरे साथ बोलो, नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड, क्या शेयर होल्डर्स फंड, नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नंबर थ्री करंट लाइबिलिटीज। ये तीन चीजें आप अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको बैलेंस शीट कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड से तीन चीजें हैं, सबसे पहले आंख बंद करके शेयर होल्डर्स फंड्स, नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, नंबर थ्री करंट लाइबिलिटीज, और एसेट साइड से दो चीजें हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, बस इतनी ही बैलेंस शीट और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कल जो लेक्चर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज बता दूंगा इसके बारे में, और कल जाके हम डिटेल में पढ़ के इसको इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को मुझे बता दो, अगर कोई डाउट यहां तक है, आपको वो विजुअलाइज करना आया कैसे पुरानी बैलेंस शीट को मैंने नई बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से बना दिया, अब बता दो यहां तक कोई डाउट, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। नहीं है कोई डाउट तो मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं अब, ठीक है,
अब मैं पहली चीज जो थी शेयर कैपिटल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब ये जो नोट्स में अकाउंट्स बन गए, फिर जैसे बैलेंस शीट में ये 10 नोट आ गए, उसके बाद पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट लीज में सपोज 5 नोट्स आ गए, फिर बैलेंस शीट में 10 नोट आए, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर नोट्स टू अकाउंट्स आए। सबसे पहला क्या आया नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। जब नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे, या तो ऐसा करेंगे आज मैं ओवरव्यू दूंगा हर किसी चीज के बारे में, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कल हम उनका डिटेल में नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं डिटेल में बताता हूं, आज मैं सर किसी बारे में थोड़ा ओवरव्यू बताता हूं। देखो दो चीजें, शेयर होल्डर फंड में मैंने दो चीजें बोल दी, एक मैंने शेयर कैपिटल बोला और मैंने रिजर्व एंड सरप्लस बोला। अब आप अपनी बुक पे पेज नंबर 10.6 पे आ जाओ, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, उसमें देखो 2 सालों के बैलेंस शीट दे दिए, तो मतलब आपको क्या होता है 2 सालों के बैलेंस शीट बनाने होते हैं, पिछले साल का भी साथ देना होता है। ये तो पिछले साल की बैलेंस शीट आएगा, इसको आपको मेहनत नहीं करते। ये है सपोज 18, ये आपका इस साल का है 2019-20, और यहाँ पे बनेगा 18-19 का, ताकि आप कंपेयर भी करो। शेयर होल्डर्स फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? शेयर होल्डर्स वो देखेंगे कंपनी का फाइनेंस स्टेटमेंट दोनों साल का देखेंगे, उसको मिलेगा आइडिया कि कंपनी अच्छा की है या खराब कर दिया है। तो आपको बोला है कंपनी जाकर कि आपको पिछले साल के फिगर्स भी दिखाने हैं, तो शेयर कैपिटल आप पिछले साल की दिखाओगे भी और इस साल की दिखाओगे। अब शेयर कैपिटल क्या क्या, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी, और क्या आती है नीचे रिजर्व में सेल्फ, जितने भी आपके रिजर्व है वो इसमें आ जाएंगे। और क्या है, अगर आप अपनी बैलेंस शीट में देखोगे, तीसरी चीज है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर वारंट आपको पता है क्या होता है, जब हम शेयर्स को वारंट, कभी कभी कंपनी क्या कर, मतलब अगर कंपनी को कभी पैसे की जरूरत होती है तो वो तब शेयर्स को वारंट रखते हैं, जैसे हम किसी के पास, नहीं कंपनी क्या करती है वारंट्स इशू करती है, जिनको वो बाद में फिर क्या कर सकते हैं, एज शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, उनको शेयर वारंट्स बोलते हैं। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। शेयर्स को वारंट रखता है इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, आई थिंक कंपनी वारंट्स इशू करती है जिनको वो बाद में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मतलब उन वारंट्स के अगेंस्ट में कंपनी शेयर्स इशू करती है। सपोज अभी वारंट्स 5 लाख के निकाले, तो उसमें कंपनी लिखती है कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे, एक शेयर देंगे कितने का, 10 रुपए का फेस वैल्यू का, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10, या उसको एट ए प्रीमियम इशू करेंगे, तो जितने भी शेयर होंगे वो तब उन वारंट्स के अगेंस्ट में देंगे। अब देखो उसको भी फ्यूचर में शेयर ही बनना है, तो वो कहां पे आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में। दूसरी चीज हमने अलग रखी, जो मैंने अभी नहीं बोली थी आपको, मैंने आपको बोला था नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर तीसरी बोली थी करंट लाइबिलिटीज। आपकी बुक में अगर देखा, दूसरी चीज है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये बहुत टाइम पीरियड होगा कि अगर आपको बीच में बैलेंस शीट बनानी पड़ी उससे पहले, मतलब 1 जनवरी को आपने इशू निकाला है शेयर का, बट अभी 31 मार्च तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब ये चीजें आएगी कि आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिया है बट अभी शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर नहीं किया है, तो शेयर होल्डर्स का पैसा है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नीचे दिखाते हैं, क्योंकि वो अभी शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं है, जब हम उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब वो शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, इसीलिए उसको हम अलग निकालते हैं। तो आपकी बुक में अभी तक दिखा दिया यहाँ पर शेयर होल्डर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो तो शेयर होल्डर्स फंड में बनेगा, तभी मैंने आपको वो नहीं दिखाया था, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन कर रहा था। तीसरी चीज आपकी फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब जो आपकी बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म है 1 साल से ज्यादा है, जिसमें आपके डिबेंचर्स आते हैं, आपका लॉन्ग टर्म लोन बैंक से है, टर्म लोन है, मशीन फिक्स्ड एसेट का लोन है, वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। दूसरी चीज क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मैं आपको कल बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, जो एटलीस्ट सीए इंटर के बच्चे को भी पता नहीं होता है, बट मैं आपको कल बता दूंगा ये डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, मतलब बोरोइंग्स नहीं है। बोरोइंग क्या होता है, पैसा लेना, डिबेंचर से आप पैसा लेते हो, बैंक से आप लोन लेते हो, वो आपका होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बट अदर देन दैट अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लगे। और आपने अगर कोई प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया है, जैसे ग्रेच्युटी वेच्युटी के प्रोविजन कंपनी करती है, उनको लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं, तो वो उधर आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर करंट लायबिलिटीज, अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको, वो कहां पे आएगी, शॉर्ट टर्म आएंगे। ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर होते हैं यहाँ पे उनको ट्रेड पेएबल बोलते हैं। उसके बाद आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी करंट है ना, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना, वो ट्रेड पेएबल है, तो वो कहाँ आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में। इसी तरीके से अगर आपने प्रोविजंस कर दिए, जैसे आपने प्रपोज ये कर दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या कुछ ऐसे कुछ प्रोविजंस कर दिए, ठीक है,
वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो इसी साल यूज होने वाले हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे इनकम टैक्स के लिए आपने कुछ पैसा साइड में रखा है जो आपको कंपनी को, आप बोलोगे इनकम टैक्स तो ड्रॉइंग है, कंपनी के लिए इनकम टैक्स ड्रॉइंग नहीं है, इनकम टैक्स ड्रॉइंग है प्रोपराइटर के लिए, पार्टनर के लिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल टैक्स है। यहाँ पे कंपनी इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ, कंपनी को खुद का टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो इनकम टैक्स के लिए कुछ पैसा एसेट करेंगे उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मिलेंगे, तो वो आएगा किसमें, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो ये आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। कल हम इसको डिटेल में करेंगे, घबराने की बात नहीं, आज मैं ओवर दे रहा हूं। इसी तरीके एसेट साइड से क्या आएगा, करंट एसेट नॉन करंट एसेट आएगा। नॉन करंट में सबसे पहले आपका फिक्स्ड एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट जो आपके हैं जिनको आप टच कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो आएगा आपका टेंजिबल है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, आपकी गुडविल है, आपके पेटेंट्स है, आपकी कॉपीराइट्स है, वो आपके इनटेंजिबल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कैपिटल एसेट बनने वाला है बट अभी कंप्लीट नहीं है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो और आप बिल्डिंग में अभी खर्चा कर रहे हो तो वो आप बिल्डिंग नहीं बोलते होगी, क्योंकि अभी तो वो बिल्डिंग तैयार ही नहीं होगी है, तो तब तक तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आप गुड्स को बनाते हो, हमने क्या बोलता है, रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश्ड गुड्स। इसी तरह से अगर आपका बिल्डिंग बन रही है, आपकी कोई फैक्ट्री लग रही है बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया होगा। ये चीज आप आगे सीए में पढ़ोगे कि हम एसेट को कब कैपिटलाइज करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है, तब तक वो क्या बनाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तो वो वहां पे अलग से दिखाएगा, क्योंकि है तो नॉन करंट एसेट की, बट अभी आपने इसे कैपिटलाइज नहीं किया, आपने नहीं बोला कि ये टेंजिबल में कहां आएगा, तो अभी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में वो कहां कैसे आ जाता है। और इनटेंजिबल एसेट अंडर, इसी तरह अगर कोई इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, आप किसी पे रिसर्च कर रहे हो, किसी पेटेंट पर रिसर्च कर रहे हो, और आप उसे खर्चे पीएनएल में ना लेके कैपिटलाइज करने स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बारे में भी कल डिटेल में बोलूंगा। इस तरीके से फिर आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कहीं पे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, लॉन्ग टर्म में चीजों में लगा दिया, तो वो आपकी क्या कहलेगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपके डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस एंड डेफर्ड लायबिलिटी मैं कल बताता हूं। और अगर आपने एडवांसेस दिए लॉन्ग टर्म नेचर के, लोन दिया लॉन्ग टर्म नेचर का, आप भी लोन दे सकते हो, जैसे आप ले सकते हो, आप दे सकते हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म एडवांस आएगा, तो वो आपका नॉन करंट। इस तरह अगर कोई नॉन करंट एसेट कोई और है जो ऊपर नहीं आ रहा है, वो नीचे आएगा। जिस तरह से आपने वो किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे एक्सपेंसेस लॉस, और जो एक साल के बाद राइट ऑफ होना है, वो कहां पे आएगा, अदर नॉन करंट में। इसी तरह फिर करंट एसेट में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका इन्वेंट्रीज आएगा, स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जिनको डेटर बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, याद रखा से। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया बैलेंस शीट का। आपके लिए होमवर्क क्या है, इस बैलेंस शीट को आप घर में देख लेना, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करना कि क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो जितना हो सके तुम पढ़ लेना, क्योंकि कल भी हमें एक्सप्लेनेशन करना है। कल हम एक एक चीज को लेंगे, शेयर कैपिटल को लेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का पोस्टमार्टम करेंगे, कल हम सारी चीजों का एक एक करके पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों के लेक्चर में हम इस चैप्टर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, और फिर रैशनलिस्ट करके इस तरीके से हम इंशाल्लाह 4-5 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा आज के लेक्चर के बारे में तो मुझे बता दो। कोई डाउट है? नो सर। आज कोशिश करना घर में या कल दिन में बैलेंस शीट वाले जो चैप्टर है, फाइनेंस थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। कल जब मेरी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले खुद से थोड़ा पढ़ लेना, जो मैंने बोला वो देख लेना, और थोड़ा आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। घबराना नहीं है कि आपको बैलेंस शीट याद नहीं रहेगी, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ऑनेस्टली एक ही दिन में नहीं होता है सब कुछ, बट है बहुत आसान। विजुअलाइज करने कुछ करो कि पुराना कैसे होता था, अभी नया कैसे होता है, तो इंशाल्लाह इसमें फिर आपको ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, यस सर। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आप कल थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, और कल हम इन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है।